हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों, एस पीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज के लिए सभी कोर्सेज के लिए मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जितने भी कोर्सेज हैं, हाँ, सभी कोर्सेज का मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। बट अभी भी कुछ फ्यू कोर्सेज जो है जिसका अभी तक मेरिट लिस्ट को रिलीज नहीं किया है, स्पेशली फॉर एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए जो काफी दिन से वेट कर रहे थे, तो उस कोर्सेज का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो मैक्सिमम कोर्सेज का मेरिट लिस्ट आ चुकी है, बट एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी फिजिक्स और भी कुछ फ्यू कोर्सेज हैं जिसका मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है। तो कुछ दिन के बाद एमएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट का आ गया है तो आप एक बार जरूर अपनी मेरिट लिस्ट को चेक कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ किस किस कोर्सेज का आ चुका है। पहले आपका 19 कोर्सेज का आया था, बट अब फाइनली 92 कोर्सेज का आपका मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएससी जियोलॉजी वाला स्टूडेंट का आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं एमएससी एटमोस्फेरिक साइंस वाला स्टूडेंट का आ चुका है, एमएससी मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट का आ चुका है। तो इसको आप मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। कैसे आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट भी दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको दे रखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएससी मैथमेटिक्स और एमए मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं जो अप्लाई किए थे सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पर आपको 60 सीट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल का 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 6 सीट है और एससी का 7 सीट है, इस तरह का आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स गया है 73.50 आपका मैक्सिमम मार्क्स गया है और उसका सिलेक्शन जो हुआ सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसे जो मिनिमम मार्क्स गया है जनरल वाला स्टूडेंट के लिए, तो आपको 54 मार्क्स आपका मिनिमम मार्क्स गया है। बाकी यहाँ पर आपको डिफेंस वाले हैं और यहाँ पर ऑर्फिन वाला स्टूडेंट, यहाँ पर आपको तो वैसे भी कम जाएगा क्योंकि इसका रिजर्वेशन होता है, बट जनरल वाला स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आपका मिनिमम मार्क्स जो है 54.75 आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है, ठीक है। और जिस स्टूडेंट का अभी इसमें लिस्ट नहीं आया है तो घबराने वाली बात नहीं है, तो अभी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी जिसका वेटिंग लिस्ट में 1 से 2 पोजीशंस पे है, तो उसका चांसेस है कि आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से आप एमएससी मैथमेटिक्स और एमए मैथमेटिक्स वाला आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं कि 92 कोर्सेज का आपका मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया था। तो अभी कुछ कोर्सेज का भी नहीं आया है जैसे एमएससी केमिस्ट्री एमएससी फिजिक्स का, तो प्लीज 2 से 3 दिन और आपको वेट करना है। तो जैसे ही आपका एमएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट रिलीज होगा वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और इसमें आपको बताऊंगा भी कि किस स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो उसको कितने पोजिशंस पे कितने नंबर पे उसका कन्फर्म होने की चांसेस है या नहीं है, पूरा डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा एमएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट के लिए। जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस इतना दिन और आपने पेशेंस रखा है तो 2 से 3 दिन और पेशेंस रख लो एमएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट। हाँ, जो वैसे स्टूडेंट जिसका मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है तो उसको कैसे एडमिशन करना है, कब करना है, पूरा डिटेल वाइज में नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो अपडेट मिले तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।